डिटेल्ड वीडियो होने वाली है सिर्फ वो भी शॉकर के बारे में। कैप होती है वो मुझे हटवानी पड़ी है, स्टॉक शॉकर से भी कंफर्टेबल है। उस टाइम मुझे क्या क्या दिक्कत आई थी, स्प्रिंग लेनी है, पूरा सेट आता है। किसी ने इज्जत से पंचर किया था। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो एयरबॉक्स पंचर हो गई है, उसका पंचर लगवाने जा रहे हैं। पंचर लगवाने के बाद ये वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं बताने वाला हूँ उसके रियर सस्पेंशन की मॉडिफिकेशन के बारे में, कैसे कैसे मैंने करवाया और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो तुम्हें भी पता होनी चाहिए। तो चलते हैं, पहले पंचर लगवाते हैं, फिर शॉकर की डिटेल इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। लेट्स गो। चाबी चाबी कहाँ है चाबी? तो गाइस मिल गई चाबी हमें, पड़ी थी हमारी हेलमेट के अंदर। हेलमेट भी ले लेते हैं। पैर फ्लैट हो रखा है एकदम। निकल गए पंचर लगवाने। स्कूटर जो है ये लहर रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा। तो ये रहा मेरे घर के पीछे MRF का शोरूम। और भाई पंचर चेक करते हुए शैम्पू की बोतल से हील है। पंचर के मुंह से जाग निकल रहे हैं भाई, पंचर मर गया। भाई देखने में तो ऐसा लग रहा है किसी ने इज्जत से पंचर किया था। स्क्रू और स्क्रू ड्राइवर लेके, खुल भी स्क्रू ड्राइवर से रहा है। पंचर लगने के बाद स्कूटर हो गया है बिल्कुल तो स्मूथ, चलने में कोई बैलेंस नहीं खराब हो रहा अब। तो दिक्कत ही आ गई गाइस, घर आना पड़ा वापस। बारिश हो गई बहुत तेज, इस वजह से जा नहीं पाया रिकॉर्ड करने आगे का, नेक्स्ट डे करता हूँ। वेलकम बैक टू सेम वीडियो अनदर डे। तो कल रिकॉर्ड नहीं कर पाया इस वजह से क्योंकि बारिश आ रही थी। बारिश की वजह से मुझे घर आना पड़ा वापस, जिसकी वजह से वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पाई। तो आज नेक्स्ट डे है, तो जो जो चीज़ें मुझे बतानी थी वो मैं आज डिटेल में बताऊंगा, कवर करूंगा। तो आ गए हम अपनी लोकेशन पे, नो पार्किंग जोन में, और ये खड़ी हमारी एयरॉक्स। माइंड मत करना, गंदी बहुत है, मैं साफ कम करता हूँ। तो ये डिटेल्ड वीडियो होने वाली है सिर्फ वो भी शॉकर के बारे में, कि मुझे क्या क्या दिक्कत आई थी चेंज करवाने में। जब मैंने ये शॉकर डलवाए थे, मतलब ये स्टॉक शॉकर में स्प्रिंग डलवाई थी, उस टाइम मुझे क्या क्या दिक्कत आई थी और क्या क्या मुझे रिप्लेस करना पड़ा इन्हें लगवाने के लिए, तो उस चीज़ के बारे में डिस्कस कर लेंगे आज। सबसे पहली चीज़ ये स्टॉक शॉकर है। स्टॉक शॉकर में ही मैंने एक प्लेटिना की है और एक दूसरी बाइक आती है कोई TVS की, उसकी स्प्रिंग है ये दोनों। उन दोनों को एक साथ लगवाया हुआ है मैंने। ये अंदर वाली प्लेटिना की भी लग जाएगी, तो उसमें मुझे बम्प ज़्यादा फील हो रहे थे, तो इस वजह से मैंने इसमें ये दो डिफरेंस लगवाए। बट आप लगवाने को लगवा सकते हो, स्टॉक शॉकर से भी कम्फर्टेबल है अगर आप प्लेटिना के दोनों इंस्टॉल करवाओगे इसमें। तो उसके लिए क्या था, सिर्फ आपको ये स्प्रिंग लेनी है दोनों, अंदर और बाहर की, पूरा सेट आता है ये, आप ले सकते हो, करोल बाग जिंदाबाद है उसके लिए। उसके बाद इसके अंदर एक कवर होता है, यहाँ पे प्लास्टिक का कवर होता है जो यहाँ से लगा होता है। एक कैप होती है एक तरह की, जो सिल्वर कलर की चमक रही है अंदर, हाइड्रोलिक की रॉड जो इसको कवर करती है, वो एक कैप होती है, वो मुझे हटवानी पड़ी है। तो उस कैप का ऊपर का हिस्सा कट करके, देखिए मैं अभी कैप दिखाता हूँ, ये वाली तो ये कैप थी, उसका ऊपर का हिस्सा कट करके ये मैंने ऊपर यहाँ इसमें प्लेस लग करवाया हुआ है, जिससे कि ये शॉकर ऐसे अंदर बाहर ऐसे हिले ना, इस वजह से। वरना अगर आप ये नहीं लगवाओगे तो ज़्यादा मूव करेगा। उसके बाद आ जाता है नीचे, इसमें नीचे आप देखोगे तो एक ये आपको प्लास्टिक की प्लेट सी दिखेगी, तो जूम कर देता हूँ, ये एक ये प्लेट, ये प्लेट में एक गैप है जो अंदर वाली स्प्रिंग को रोक के रख रखा है, जिससे कि वो बाहर ना आए अंदर में, ठीक है, जिससे वो कवर हो रखी है, वो रोक के रखा हुआ है। ये जो पूरी बाहर वाली स्प्रिंग है, इसको रोक के रखने के लिए जो मैंने इस तरफ दिखाई थी, ये जो प्लास्टिक की एक प्लेट सी है, इस प्लेट के नीचे ये एक और स्टील की प्लेट है जो स्टॉक शॉकर में ही मैंने लगवाई हुई है। इसे खुलवा के यहाँ से अंदर
जिस पे ये टिका हुआ है पूरा इसका बेस, ये जो गोल स्प्रिंग है पूरी इस पे टिकी हुई है, इस वजह से ये रुकी हुई है। स्प्रिंग रोकने के लिए कोई इसमें सपोर्ट नहीं थी, एक तरफ से डालो दूसरी तरफ से बाहर आ गई थी, तो इस वजह से इन स्प्रिंग को रोकने के लिए नीचे प्लेट लगाई हुई है, उसके ऊपर प्लास्टिक की प्लेट है, एक ये वाली, ये प्लास्टिक की, ये नीचे स्टील की मेटल की है कोई, और ऊपर है प्लास्टिक। प्लास्टिक वाली ने अंदर वाली स्प्रिंग को रोका हुआ है, और उसके बाद बाहर वाली स्प्रिंग पे इसका गैप बना पड़ा जिस पे ये मेटल पे रुका हुआ है। ये दोनों प्लेट्स प्लेटिना के शो करके है, आपको इजीली मिल जाएगी मार्केट में अगर लेने जाओगे तो, प्लेटिना के शॉकर में लगती है ये सेम इसी तरह से नीचे की तरफ। उसके बाद मैंने इस चीज़ का आपको समझा दिया, फिर ये प्रेस करवा के स्प्रिंग को इसको टाइट करवाया हुआ है। पहले मैंने प्लेटिना की डलवाई थी तो मुझे वो ठीक नहीं लगी थी, तो मैंने इसमें अंदर की ये स्प्रिंग जो है ये चेंज करवाई हुई है। बाहर वाली प्लेटिना की स्प्रिंग है, अंदर वाली कोई TVS की बाइक आती है उससे रिसेंबल करती है, सेम प्लेटिना बजाज की बाइक की तरह ये स्प्रिंग्स उस बाइक की डलवाई हुई है, जो काफ़ी कंफर्ट देती है वो मुझे अब। बट मेक श्योर आप जब भी लगवाएं इन शॉकरों को खुलवाने के बाद, तो यहाँ पे इनके बोल्ट्स होते हैं, इनको अच्छे से टाइट करवाएं, क्योंकि अगर आप अगर टाइट नहीं करवाएंगे इन बोल्ट्स को तो ये वाइब्रेट करता है, जो अजीब सी आवाज़ निकालता है, तो मेक श्योर आप अच्छे से टाइट करवाएं इन्हें। इतना सा था बस, करवाने को करवा सकते हो, कॉस्ट पड़ी है 800 रुपये। यह थोड़ी बहुत राइड क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, इजीली इंस्टॉल करवा सकते हो, आपको कंफर्ट देगी ख़राब रास्तों पे काफ़ी अच्छे से। तो ये थोड़ा सा रिव्यू था, और कुछ ज़्यादा खास है नहीं इसमें स्प्रिंग में। इस वीडियो में इतना ही था, छोटी सी चीज़ थी जो मुझे समझानी थी, कभी कोई करवा रहा हो भाई तो उसे दिक्कत ना आए करवाने में, जो आप लोगों के लिए थोड़ी ईजी रहे और डिटेल भी रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड, बाय।